हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे कच्चे आम की बहुत ही तीखी और चटपटी चटनी। वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होते ही डालेंगे जीरा। अब हम इसमें डालेंगे 17 से 18 लहसुन की कलियां। लहसुन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए, इससे हमारी चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। हम इसमें डालेंगे 6 से 7 लाल मिर्च। तो देखिए दोस्तों, इसे हमने भून लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब उसी कढ़ाई में डालेंगे आम। मैंने एक कच्चे आम को ऐसे काट लिया था। अब हम इसे 5 से 10 सेकेंड तक चलाते हुए पकाएंगे। अब हम सभी चीज़ों को एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। मैंने यहाँ पर काला नमक इस्तेमाल किया है। आप नमक और मिर्ची का मात्रा ज़्यादा रखें, क्योंकि कच्चे आम खट्टी होती है तो ये टेस्ट बैलेंस करेगा। अब हम सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। अब मेरा चटनी बनकर तैयार हो चुका है। मेरा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।